रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आज राज्यों में आएगा मौत का तूफान। मौसम विभाग बोला, सूरज ढलते ही लोगों को उड़ा ले जाएगा बवंडर। न्यू दिल्ली। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार को मौसम ने देश के उत्तर से लेकर दक्षिणी और पूर्व से लेकर पश्चिमी हिस्सों में तबाही मचाई। 24 घंटे के दौरान आंधी, तूफान और बारिश की वजह से हुए हादसों में 6 राज्यों में 70 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा 51 मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं। दिल्ली में 109 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली। मौसम विभाग ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की बात कही थी। कई जगह पेड़ और खंभे गिरने से काफी नुकसान हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। 6 राज्यों में सोमवार को 70 किमी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं 14 मई को। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बादल गरजने की चेतावनी दी है। इन इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है। ओडिशा के दूर दराज के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में धूलभरा तूफान उठ सकता है 15 मई को। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफान का अलर्ट। ओले भी गिर सकते हैं। ओडिशा और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी का अलर्ट दिया गया है। राजस्थान और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू के थपेड़े परेशान करेंगे। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की चेतावनी जारी की थी। बाल बाल बच्ची सांसद हेमा मालिनी, मथुरा सांसद हेमा मालिनी रविवार को उस वक्त बाल बाल बच गई जब आंधी तूफान की से एक पेड़ अचानक उनके काफिले के आगे गिर गया। ड्राइवर ने पेड़ से टकराने से पहले ही ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित कर लिया। हेमा एक गांव में जनसभा को संबोधित करके लौट रही थी। 6 दिन पहले आए तूफान और बारिश से करीब 14 राज्य प्रभावित हुए। इसमें करीब 125 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तेज रफ्तार आंधी के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 70 फ्लाइट जयपुर, अमृतसर, लखनऊ डायवर्ट करनी पड़ी। इनमें से 9 की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। साथ ही दिल्ली में 24 फ्लाइट देर से उड़ी।